हेलो दगड़ियों, नमस्कार पलाक और छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कैसे आप लोग, उम्मीद करूँ कि सब लोग ठीक है ना। मैं बिल्कुल ठीक चर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिसेस पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, बता दूँ मैं पूनम नेगी उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटाबाग से, और अब हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं महाराष्ट्र में। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से, और ये रहा हमारा शुभी बच्चा। हाय हाय, मुझसे भी तो बोलो हाय हाय हाय। शुभु शुभु हाय शुभु शुभी हाय, शेक योर हैंड शेक योर हैंड, गुड गर्ल, हाय फाय हाय फाय। शुभु शेक योर हैंड शेक योर हैंड, गुड। शुभी शुभी हाय फाय हाय फाय, और शेक योर हैंड, गुड गर्ल। चलो और हाय फाय। और आपको बता दो, कल ना हमारी गैस खत्म हो चुकी है, मतलब यहाँ आने के बाद पहली बार हमारी गैस खत्म हुई है। वो तो क्या हुआ कि मैं जब आ रही थी तो मतलब हम लोग ज्यादा ज्यादा सामान तो कुछ लेके नहीं आए, लेकिन जो इंडक्शन चूल्हा होता है ना वो लेके आए थे कि कभी इमरजेंसी में काम आ जाए, क्योंकि हमें पता नहीं था ना कि यहाँ स्टार्टिंग में गैस का कैसा सिस्टम है कैसा नहीं है। तो इसलिए हम लोग इंडक्शन चूल्हा लेके आए, क्योंकि अपने लिए तो चलो जो भी है स्टार्टिंग में कहीं बाहर से भी खा रहे थे, लेकिन शुभी के लिए दूध गर्म करने के लिए सब चीज़ के लिए चाहिए था, तब हम लेके आए। तो अभी वो बहुत काम आ रहा है, जैसे हमारी गैस कल रात ख़त्म हो गई थी तो कल से मैं उसी में बना रही हूँ, उसी में दूध गर्म कर रही हूँ। हमारी जो लैंडलॉर्ड है ना, उन्होंने मुझसे बोला था कि तुझे कुछ भी बनाना है तू यहाँ बना ले, तो लेकिन अब मैं लेके आई थी तो फिर उसमें मेरा काम चल जा रहा है। आज आने वाला है सिलेंडर वाला, तो आज भराऊंगी सिलेंडर, देखते हैं यहाँ कितने रुपए का है। मैं तो शायद अपनी लाइफ में पहली बार ही सिलेंडर भरवा रही हूँ, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला शायद कि सिलेंडर भरवाने का, सच में ऐसा कभी मौका आया ही नहीं लाइफ में, आज पहली बार ये भी करना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सीख रही हूँ चीज़ों को। शुभ अपनी बुक्स अरेंज कर रही है गाइस, ये देखो शुभ अपने बुक्स अरेंज कर रहा है। और शुभी ना अभी थोड़ी देर पहले ही उठी है, तो इसलिए भी नहाना धोना नाश्ता पानी कुछ भी नहीं हुआ है, बस अभी शुभी को दूध पिला रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि वही इंडक्शन चूल्हे में कुछ बना लेती हूँ शुभी के लिए, मतलब बर्तन काम आए जा रहे हैं जो मैं नॉनस्टिक वाले लेके आई थी, लगभग जो बर्तन है वो मेरे उसमें काम आए जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं, इसके लिए कुछ चीला या पोहा बना देती हूँ सुबह नाश्ते में। पता है मैं पोहा बनाती हूँ इसके लिए, खाती है ये लेकिन सब फैला देती है, वो चीज़ मुझे सबसे बेकार लगती है। बाकी इसके लिए आलू के पराठे भी बनाती हूँ मैं, कल मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा, कल मैंने 3 आलू उबाले थे, 3 या 4, हाँ 3 3, नॉर्मल साइज़ का और एक छोटा आलू उबाला था, क्योंकि 3 नहीं उबालते। तो फिर शुभी के लिए ना दिन के लिए भी मैंने आलू का पराठा बनाया, और शाम को भी आलू का पराठा बनाया, खुद के लिए भी आलू का पराठा बनाया, मतलब हम दोनों के लिए वो आराम से हो गया था। मैंने तो एक ही टाइम खाया, मतलब वही 3 बजे के टाइम पे खाया, तो फिर रात को मैंने खाया नहीं क्योंकि भूख नहीं लगी। लेकिन शुभी के लिए यह है कि आलू का पराठा भी बन जा रहा है, छोटे से कुकर में 3 4 आलू उबाल करके हो जा रहा है। लेकिन अभी क्या बनाऊँ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या बनाती हूँ। जहाँ तक है वही बनाना वाला चीला बनाऊंगी, जब मेरे पास सुबह सुबह ना, एक तो क्या है सुबह सुबह ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं रहते, झाड़ू वाड़ू मारना होता है, अभी शुभी को नहलाना है, शुभी को मैं 2 दिन छोड़ के नहला रही हूँ, उसको ना हल्की सर्दी लग गई थी। और हाँ आज शुभी ने ना, मतलब शुभी को मैं सुबह सुबह बैठा रही हूँ, तो आज सुबह सुबह इसको बैठाया तो इसने मतलब 2 मिनट के अंदर इसने शुशु कर ली थी उसमें, तो मुझे खुशी हुई। और दिनों तो 15 15 20 20 मिनट में बैठाती तब भी नहीं करती है, लेकिन आज कर ली थी। चलो फिर अभी मैं शुभी के लिए बनाना का चिला बनाती हूँ, बनाना और आटे को मिक्स करके, और उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो चलो फिर, तो यहाँ पर शुभी तो अपने बेड में खेलने में लगी हुई है, देखो कितना ताम झाम फैला रखा है शुभी ने। शुभु अपने बुक्स को अच्छे से अरेंज करना, ठीक है? हाँ हाँ अच्छे से अरेंज करो सबको, गुड गर्ल। गुड गर्ल, शुभु गुड गर्ल। ये वाली नहीं जा रही है, देखो अच्छे से डालो, चले जाएगी ना। चले जाएगी देखो, हाँ चले गई ना, ना। ये और कहाँ है बुक? आपके आगे है, देखो आपके आगे, ये रही बुक्स,
ये देखो, ये रही शुभ, ये बुक्स। हाँ ये रही शुभ। स्माइल कर दो। ये गुड गर्ल, गुड गर्ल। गाइस कूड़े की गाड़ी आ गई है तो उसमें गाना बज रहा है, तो शुभी डांस करने के लिए खड़े उठ गई है। ये देखो शुभी को लग रहा है कि मेरे लिए गाना बज गया। चलो तो कूड़े की गाड़ी आ चुकी है। कूड़े की गाड़ी की आवाज सुन के शुभ डांस करने लग गई थी। चलो तो शुभ आपके लिए पोएम लगा रही हूँ, और मैं तब तक कूड़ा फेंक के आती हूँ। आप पोएम देखना, ठीक है? शुभ आपके लिए नाश्ता बन के तैयार हो चुका है, जल्दी आओ। गर्म हो रहा है, जल्दी आओ, गिरोगे बेटा। उधर मत जाओ, इधर आओ, इधर आओ। गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। बैठो, अब बैठो। कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। खाओ फिर, खाओ। आप खाओ, आप खाओ। चलो पीकू को भी खिला दो, पीकू को भी भूख लगी है। गुड गर्ल, गुड गर्ल। दोनों मिलके खाना, ठीक है? ठीक है शुभू, शुभू यहाँ से किनारे से तोड़ते बेटा, बीच से नहीं तोड़ते, ऐसे किनारे से तोड़ते हैं। ये लो, खा लिया उसने, शुभू खा लिया उन्होंने, अब आप खाओ। शुभी तो अब ऐसी करेगी, बैठो आप बैठो। चलो दोनों को खिलाऊंगी मैं। गुड गर्ल, पीकू को भी खिलाएंगे, ठीक है पीकू, आपको भी खिलाएंगे। पीकू ने भी खा लिया। शुभ शर्मा रही है। तो गाइस शुभी नहा के आ चुकी है। ये ना हमारा शुभी बच्चा, ये अब नहाई धोई करके आए ना। हाँ नहाई नहाई करी ना। हाँ तो चलो फिर जल्दी से शुभी को कपड़े पहना देती हूँ। और आज शुभी के लिए मैंने थोड़ा सा गर्म स्वेटर निकाल रखी, क्योंकि कल रात में यहाँ पे बारिश हुई थी हल्की सी। हाँ तो डेली तो नहलाती नहीं हूँ शुभी को, दो दो दिन छोड़ करके ऐसे नहलाती हूँ। कभी ज्यादा गर्मी हो गई तो एक दिन छोड़ के, वरना दो दिन छोड़ के नहलाती हूँ। जल्दी से कपड़े पहन लेते हैं। तो गाइस शुभी नहा धो करके रेडी हो चुकी है। ये रहा हमारा शुभी बच्चा। शुभी इधर देखो, शुभी नहा लिया आपने? नहा लिया? हाँ आपने नहाई धोई करी ना अभी? बस शुभी नहा करके अपने खेलने में लग गई फिर से। सारा सामान मैं समेट के रख देती हूँ, फिर शुभी फैला देती है ना शिव? पढ़ना है अभी? अभी नहीं, अभी दूध पिलाएंगे फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो गाइस शुभी सो करके भी उठ चुकी है। ये रहा हमारा शुभी बच्चा। शुभी के लिए भी खाना बन के तैयार हो गया। ये लो शुभू खाना खाओ। क्या? तो अभी सिलेंडर वाला नहीं आया तो मैंने इंडक्शन चूल्हे में ए! बनाया। हाँ लो खाओ, ये लो। वाव टेस्टी, अभी गर्म नहीं है, अभी ठंडा हो गया। बैठ के खाओ, ठीक है बैठ के खाओ। और अपने लिए मैंने बनाया रोटी और ऑमलेट, वो भी मैंने इंडक्शन चूल्हे में ही बनाया। पहली बार रोटियां बनाई मैंने उसमें, वरना और टाइम पे तो मैं दूध गर्म करना, पानी गर्म करना, ये सब कुछ करती थी, लेकिन आज पहली बार रोटियां भी उसी में बना रखी है। हाँ फूली नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से मैंने अच्छे से सेक के बना ली थी। और साथ में ऑमलेट बनाया, और क्या ही सब्जी बनाती मैं उसमें, तो मैंने ऑमलेट बना दिया। तो चलो फिर जल्दी से हम लोग खाना पीना खाते हैं। वाह
शुभी कितना क्यूट लग रहा है ना। वाव वाव शुभी वाव, टोपी मत उतारना। वाव सो क्यूट शुभी, वाव सो क्यूट शुभु, सो क्यूट, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। नो 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 नो। तो गाइस शुभी की शैतानियां देखो, बोल रही मुझे ऊपर चढ़ाओ, मैं खाना बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी आज। है खाना बनाओगे आज आप? हाय गाइस, हाय गाइस, आज शुभी आपको बताएंगी कि कैसे क्या बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे शुभी? सबसे पहले क्या करेंगे खाना बनाने के लिए? सबसे पहले क्या करेंगे? तो गाइज आज क्या वेडनेसडे है और मुझे 3 दिन हो गए हैं पालक लाए हुए और मैंने अभी तक पालक की सब्जी नहीं बना रखी। ये सूखने को तैयार है। ये देखो ये भी सूख गई है। हाँ ये भी सूख गई, ये मैंने धोई नहीं, वो तो मैंने धो के रखी थी बनाने के लिए, फिर ऐसी हो गई कि मैं बना ही नहीं पाई। देखो पीली भी पड़ने वाली है, अब बनाऊंगी यार, अब तो गैस ही खत्म हो गया। तो अभी ना शुभी की चुट्टियां बना करके शुभी को रेडी कर दिया है। ये रहा हमारा शुभी बच्चा, इधर आओ, ये देखो, ये देखो गाइस, ये रहा हमारा शुभी बच्चा। जय हो, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। बाल हनुमान, जय बजरंग बली, ये क्या कर रहे हो? बैट टूट जाएगा बेटा, ऐसे ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, बैट टूट जाएगा। तो गाइस अभी बज गया शाम के 6:30 और अभी तक हम लोग बाहर खेल रहे थे और अभी मैं बनाने लग गई खाना। तो आज बना रही हूँ वही पालक जो इतने दिनों से पड़ा हुआ था और आज भी गैस नहीं आया, शायद कल आएगी गैस की गाड़ी। और अभी आए हुए हैं घर पे श्रावणी और अवनी। श्रावणी अवनी आ रहे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हाय हाय, वो कहाँ गई श्रावणी? श्रावणी शुभी कहाँ गई? वो भी चलो कोई नहीं, आ जाएगी वो। तो हाय हाय, तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाह रही थी, जब मैं हाई तो मैंने इनके मुझसे जो गाना सुना था मैं हैरान हो गई। तो चलो फिर इनके मुझसे दोबारा से सुन लेते हैं वो गाना। ठुमक ठुमक जभी नीचे तू पहाड़ी ठुमा, चमचमा पायल घुंघरू बजन तार घुटमा, लाल कर करना तुम्हें चूड़ी चनहरा, लाल कर करना तुम्हें चूड़ी चनहरा, आप देख सकते हैं हमारा पहाड़ी गाना कितना ज्यादा फेमस हो चुका है कि मतलब देश विदेश हर जगह सब लोग को मतलब ये गाना याद हो चुका है बहुत ही अच्छे से। मतलब मैं यहाँ आई मैंने मुझे सुना, मैं हैरान हुआ यार, मतलब इतना फेमस हो चुका है हम पहाड़ी, वाह मजा आ गया। कैसा लगा गाना? बहुत अच्छा था और हमको ऐसा लग रहा था कि हम लोग डांस करें। और ये लोग डांस भी करते हैं, कुछ स्टेप भी याद है इस गाने के, मैं बहुत बार मैं ये लोग करते रहते हैं तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी। तो चलो फिर अब जल्दी से खाना पीना बना देती हूँ और आज के इस ब्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, ओके बाय 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 गाइस। चलो इनसे भी बाय करवाते हैं। तो बाय गाइस, बाय 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 शुभ, बाय शुभ, तो लाइफ में लगी हुई, बाय 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 बाय।